से 24 घंटों के दौरान मजीद 73 अफराद जान की बाजी हार गए। 2,459 नए केसेस रिपोर्ट, एक्टिव केसेस की तादाद 48,000 हो गई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में शदीद धुंध का राज। पेशावर से इस्लामाबाद तक मोटरवे M1 बंद, स्वात मोटरवे और बुरहान इंटरचेंज को भी हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। खानेवाल, बहावरपुर, रहीम ग्यार खान और सादिकाबाद में धुंध छा गई। पेट्रोल बहरान का जिम्मेदार कौन? समा ने तहकीकाती रिपोर्ट हासिल कर ली। इंक्वायरी कमीशन ने सेक्रेटरी पेट्रोलियम और डीजी ऑयल को जिम्मेदार ठहरा दिया। बहरान की बड़ी वजह ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की जखीरा अंदोजी करार। 20 दिन तक तेल जखीरा ना करवाना ओगरा की नाकामी थी। रिपोर्ट वजीर आजम को अरसाल, आज वफाकी काबीना के इजलास में पेश की जाएगी। अमरीकी सदारती इंतखाबात में इलेक्टोरल कॉलेज की गिनती मुकम्मल। जो बाइडन की फतह पर मोहर तस्दीक सख्त हो गई। बाइडन ने 302 और ट्रंप ने 232 इलेक्टोरल वोट हासिल किए। नौमंतखब सदर ने अपने खिताब में कहा, अदालतों ने ट्रंप की धांधली की हर दरखास्त मुस्तरद कर दी, अब आगे बढ़ने का वक्त है। और कौमी क्रिकेट टीम क्वींस टाउन से ऑकलैंड पहुंच गई। 3 घंटे का प्रैक्टिस सेशन, बैटिंग और बॉलिंग की मशकें की। पहला T20 18 दिसंबर को खेला जाएगा।